हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर है यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियम प्रो। अगर आपने मुझे वीडियोज़ के अंदर कुछ इफेक्ट्स डालने हैं तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आफ्टर इफेक्ट। और अपनी वीडियोस की ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ऑडिशन। और उसके अलावा जो एक सॉफ्टवेयर और है जो कि है फोटोशॉप, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ अपनी वीडियोस के थंबनेल बनाने के लिए। तो चलिए मैं एक ही करके आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आप देख सकते हैं कि यह है प्रीमियम प्रो, एडोबी का प्रीमियम प्रो है जो कि 2020 वर्जन है। काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये वाला जो सेक्शन है ये है सोर्स विंडो और ये है प्रोग्राम विंडो। और यहाँ पे आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सारी फाइलें आपकी होती हैं, ये देखिए। उसके बाद ये है टाइमलाइन। और प्रीमियम प्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो बेस्ट हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो जो कि मैक यूज़र्स के लिए है। फिलहाल तो मेरे पास विंडो है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो है प्रीमियम प्रो। एडिटिंग के लिए और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि प्रीमियम प्रो के अलावा है फाइनल कट प्रो है, आपका एविड कंपोज एविड है, आपका आपके पास डाविंची रिजॉल्व है। डाविंची रिजॉल्व बेसिकली इज़ अ कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन के लिए लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है वो। सो पहला जो सॉफ्टवेयर था मेरा वो था प्रीमियम प्रो। और मैं आपको दिखाता हूँ आपको दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि है मैं अपने यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर इफेक्ट डालने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एडोबी का आफ्टर इफेक्ट। आप देख सकते हैं ये है एडोबी का आफ्टर इफेक्ट जो कि मेरे पास है वर्जन 2019 वाला वर्जन है मेरे पास। ये है कंपोजिशन एरिया, प्रोजेक्ट एरिया, यहाँ से कंपोजिशन बनता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चला के आपको दिखा देता हूँ। इस फॉर एग्जांपल अलीपुर जू की वीडियो है, और ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है। और यहाँ पे आप इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंकर पॉइंट वगैरह, पोजीशन वगैरह। यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं आप, ये मतलब बेसिकली जो आफ्टर इफेक्ट है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है एडोबी वाला को जहाँ पे आप इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इफेक्ट्स एरिया और ये है टाइमलाइन एरिया जहाँ पे आपकी वीडियो चलती है। सो और ये वाला इफेक्ट रैक्स है, यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं, प्रीव्यू है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट हैं, यहाँ पे आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं जो भी। आफ्टर इफेक्ट एक काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कहूँगा इसे मैं, इफेक्ट्स के लिए या फिर आप VFX वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दूसरा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो है आफ्टर इफेक्ट। और तीसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर बढ़ते हैं जो कि इस्तेमाल करता हूँ मैं अपनी ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए, और वो करता हूँ मैं एडोबी का ऑडिशन, वो भी मैं दिखाता हूँ। हालांकि ऑडिशन की तो आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ देख रखी होगी, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। एडोबी का जो ऑडिशन है मेरे पास 2020 लेटेस्ट वर्जन है। और Adobe Audition भी एक काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑडिशन के अलावा अगर मैं ऑडियो एडिटिंग के लिए बात करूँ तो Audacity भी एक काफ़ी बेहतरीन ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बट मैं Adobe के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे Adobe के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो दैट्स आई एम यूजिंग द ऑडिशन। ऑडिशन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रीमियम प्रो यूज़ करता हूँ, प्रीमियम प्रो से मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ऑडिशन के अंदर। हालांकि Audacity में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि मैं Audacity के बारे में इतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ कि उसके अंदर ये फीचर है कि नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ये चीज़ बढ़िया मिल जाती। तो हम आ चुके हैं अपने ऑडिशन पे।
और ऑडिशन में ये भी काफ़ी इजी इंटरफेस है इसका। हालांकि आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको उसको चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम फाइल को करते हैं इंपोर्ट, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पे इफेक्ट ट्रैक है, और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे ये फॉर एग्जांपल हम वीडियो उठा लें। एक्चुअली हुआ क्या ना, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं मेरे पीसी के अंदर, तो ये है ऑडियो इम्पोर्ट हो रही है। एक और भी ट्यूटोरियल्स मेरे आने वाले हैं ऑडिशन को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी उस चीज़ को समझें और सीखें। तो ये रही अपना, हमने ऑडियो को इंपोर्ट किया, ये यहाँ से हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। और ये ऊपर ये टूल हैं सारे के सारे, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर एक ऑडिशन का, आप चाहते हैं अगर आप प्रॉपर ऑडिशन का एक ट्यूटोरियल जिसमें हम मैं सारी चीज़ें इसकी बेसिक चीज़ें कवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ अडोबी ऑडिशन। ठीक है, तो हमारे तीन जो सॉफ्टवेयर वो कंप्लीट हो चुके हैं, और चौथा सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो के थंबनेल के लिए, वो यूज़ करता हूँ फोटोशॉप, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो फोटोशॉप का मेरे पास वर्जन है वो है 2019, और मैं जल्दी अपग्रेड करने वाला हूँ इसको 2020 के अंदर, कुछ दिनों के अंदर आज कल में कर लिया जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जितनी भी ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बिगनर्स के लिए नहीं है, दे आर प्रो सॉफ्टवेयर्स, और ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। सो हमारा जो फोटोशॉप वो खुल रहा है, फोटोशॉप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर पिक्चर के अंदर आपको कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन वगैरह मतलब लुक देना है, तो उसके लिए आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन के लिए आप लाइटरूम यूज़ कर सकते हो। हालांकि मेरे पास सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं लाइटरूम यूज़ नहीं करता हूँ, लाइटरूम इज़ ऑल्सो ए गुड सॉफ्टवेयर। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको बलिया से और भी टाइम लैप्स देखने हैं तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, मैं और भी टाइम लैप्स बनाने वाला हूँ, आपको हो सकेगा पॉसिबल होगा तो चैन राम बाबा टेम्पल की भी टाइम लैप्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत बनाए। तो ये रहा आपका फोटोशॉप खुल गया, खुलने के बाद कुछ ऐसा नज़र आता है, और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू करते हैं, थंबनेल मैं ऐसे ही बनाता हूँ क्रिएट न्यू करके, और कस्टम क्रिएट और ये अपना खुल गया है, और यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, और जैसे चाहें आप उस तरीके से आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो फोटोशॉप भी काफ़ी अच्छा पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप थंबनेल बनाना चाहें तो फोटोशॉप से बना सकते हैं। फिलहाल जो अभी इस समय मुझे जो फोटोशॉप के ना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस नज़र आ रही है वो ये है कि मैं हिंदी में लिखने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हूँ, क्योंकि इसमें हिंदी में लिखता मैं कुछ और हो जाता है कुछ और, तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। हालाँकि सब किसी ने सजेशन किया कि मोबाइल से आप पिक्चर वो थंबनेल बनाया करो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा नहीं आता मोबाइल से। मैं फ़ोटोशॉप अच्छे तरीके, मतलब फ़ोटोशॉप में ये है कि आप काफ़ी हद तक जा सकते हो पिक्चर एडिटिंग के अंदर, तो इसलिए मैं पिक्चर के लिए थंबनेल के लिए फ़ोटोशॉप ही यूज़ करता हूँ। सो ये रहा अपना चौथा जो सॉफ्टवेयर जो कि मैं यूज़ करता हूँ थंबनेल मेकिंग के लिए। और एक चीज़ और सॉफ्टवेयर, पाँचवा सॉफ्टवेयर मैं बता दूँ जो कि यूज़ करता हूँ मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, वो है स्नैगिट 2020। आपको मैं दिखाता हूँ, और फिलहाल इससे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको स्नैगिट। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये इसका इंटरफेस आता है, जो स्नैगिट है वो टेक्समिथ वालों का सॉफ्टवेयर है। इसका एक और सॉफ्टवेयर है कैमटेशिया, जो वीडियो एडिटर के साथ आता है, और जो स्नैगिट है विदाउट वीडियो एडिटर के साथ आता है। तो मैंने हालांकि स्नैगिट ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास अलग से प्रीमियम प्रो है ही, तो मुझे उसके कैमटेशिया लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके अंदर आप सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इमेज चाहे तो कर सकते हैं, वीडियो चाहे तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, वो है स्नैगिट 2020।
और ये चीज़, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि क्रैक सॉफ्टवेयर हालांकि मार्केट इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन मैं उन क्रैक सॉफ्टवेयर के आप सभी लोगों को सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सॉफ्टवेयर तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वायरस भी मिलेगा और वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, आपकी प्राइवेट चीज़ों को लीक कर सकता है। तो आप, यही सजेशन करूँगा कि प्लीज़ क्रैक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पायरेटेड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत है, या तो अगर आप पैसे हैं अगर आपके पास तो आप खरीदिए, नहीं तो आप फ्री वाले वर्जन यूज़ कीजिए। सो आई होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ करता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।